जय हिंद साथियों। तो भाइयों, आपने देख ही लिया होगा कि आपकी जो आंसर की है वो आंसर की आ गई है। आंसर की आने के बाद रिजल्ट का क्या माहौल रहता है वो सब आपने देख ही लिया होगा। आपसे मैं पहले भी कह रहा था, आप सब इतने परेशान थे ज़्यादा नंबर वालों को देख करके, तो मैं आपसे पहले कह रहा था कि एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, आंसर की आने दीजिए, फिर देखते हैं किसके नंबर कितने रहते हैं। ठीक है, आप सबने कमेंट में देख लिया होगा कि कितने नंबर कम हो रहे हैं, सभी के नंबर कम हो रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबके नंबर कम हो रहे हैं, कुछ लोगों के हो रहे हैं, और कट ऑफ अब कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी तो कितनी जाएगी, ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, अगर किसी भी शिफ्ट में कोई भी फायदा मिला, जितने भी नंबर का फायदा मिला, तो वो सभी को मिलेगा, आपने आपत्ति दर्ज की हो या नहीं की हो। ठीक है, दूसरी बात, आपत्ति कैसे दर्ज करनी, वो सब कुछ मैंने आपको कल वीडियो में डिटेल से बता दिया था। अब बात आती है कि सभी के नंबर कम हो रहे हैं कुछ लोगों के, तो देखो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सभी लोगों के नंबर कम हो रहे हैं। कुछ मेरे पास जब से आंसर किया ही ना कल से, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आप सभी बता दो, अगर आपका भी कोई डाउट रहता है, कोई भी आपकी परेशानी है, जैसे आज भी आंसर की खुल रही है, तो आपको जिन प्रश्नों पर डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे पास कल भी बहुत सारे लड़कों ने भेजे थे इंस्टाग्राम पर, तो आप भी भेज देना। कोई भी आप डाउट रहता है मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो एक बार जरूर कर लेना, उसके बाद मुझे जो भी पूछना हो पूछ लेना, प्रश्न भेज देना, जो भी आप आज का जो आपके प्रश्न होंगे डाउट वाले, उसकी जो लिंक है मैंने इंस्टाग्राम की उसमें दे दी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो भैया सभी के नंबर कम हो रहे हैं, इसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा इंतजार करो आंसर की आने के बाद। अब बात ये आती है कि कट ऑफ अब कम जाएगी या नहीं जाएगी, तो आप सभी को पता है कि कट ऑफ किससे बनती है। कट ऑफ आप सभी को पता है, जो असब आपने जो एग्जाम दिया है उसमें जितने आप सब नंबर करके आए, सभी को मिला करके कट ऑफ तभी तो बढ़ेगी जब आप सबके नंबर ज़्यादा होंगे। जब सीधी सी बात है, जब आपके नंबर इतने डाउन होते जा रहे हैं, तो कट ऑफ भी आपकी कम ही जाएगी, कट ऑफ आपकी कम जाएगी। और ये मान करके चलिए कि लगभग प्रत्येक अभ्यर्थी के, जहां तक मुझे लग रहा है, प्रत्येक में एक एवरेज बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ, कम से कम 7 या 8 प्रश्न तो सबके, मतलब 7 से 8 नंबर सबके कम हो रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम, और नहीं किसी के 10, किसी के 12, किसी के 15, इस तरीके से हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मतलब बिल्कुल भी दिमाग पे इस चीज़ का लोड ये मत लीजिए कि आपके नंबर कम हो रहे हैं, वो सिर्फ सभी के नंबर कम हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर कम नहीं हो रहे हैं। कम से कम इतने नंबर बता रहा हूँ, इतने तो कम से कम नंबर कम हो रहे हैं सभी के। ठीक है, तो ये वाली बात होगी, कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल के ऊपर। देखो आप सभी को पता है, फिजिकल के ऊपर मैंने भी पहले बता दिया, अब फिर बता रहा हूँ, अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि मैं फिजिकल तभी करूँगा जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अपने साथ ना बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ दिल्ली पुलिस जैसा हो जाए। कैसा हो जाए? दिल्ली पुलिस जैसा। दिल्ली पुलिस में ऐसे ऐसे भाई साहब थे जो अपना इस तरीके से दिमाग लगा गए थे कि अगर मेरे ज़्यादा नंबर होते तो ही मैं जाता, वहाँ तो ज़्यादा वालों का ही सिलेक्शन होगा, कम नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। जब मेरिट डाउन हुई ना, तो किसी ने सोची नहीं, इतनी डाउन हो गई, फिर कुछ ना, फिर उनको रोना पड़ा बाद में। सीधी सी बात है, तो ऐसा कहीं आपके साथ भी नहीं हो जाएगा कि आपको रोना पड़े। आप सब देख ही रहे हो कि यहाँ पर जो नंबर हैं वो किस तरीके से कम हो रहे हैं, और इसमें बहुत सारे तो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पर इस तरीके से मैसेज कर रहे हैं कि मैं क्या करूँ, अब किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करूँ क्या, अगर मेरे 5 नंबर कम हो गए, मेरे 10 हो गए। जब तक आप कट ऑफ से बाहर नहीं हो जाओ, जब तक आप कट ऑफ से बाहर नहीं हो जाओ, तब तक अपने आप को बाहर मत समझना। अगर बिल्कुल ही इतने नंबर कम हैं जो आपको लग रहा है कि चाहे 4 मेरिट डाउन हो जाए, मेरी तो फिर भी नंबर नहीं आना है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस दायरे में है कि मेरा फिजिकल में कट ऑफ आ सकती है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करो, और खास करके इन चीज़ों पर ध्यान दें लड़कियाँ। ठीक है, खास करके लड़कियाँ विशेष करके ध्यान दें। लड़कियों के लिए मैंने पहले भी बोला था कि जिनके 150 के आसपास है, 150+ भी नंबर है ना, मैं बिल्कुल भी ये गारंटी नहीं ले रहा कि आपकी जो कट ऑफ है वो 150 पर जाएगी, लेकिन पिछली बार को देखते हुए ये जरूर कह सकता हूँ मैं, अगर मेरिट आपकी डाउन हुई तो 150 वाली लड़कियों का भी नंबर आ सकता है। ठीक है, और सीधी सी बात है, फिजिकल की अभी से तैयारी करने, कहने का मतलब है, मान लिया कि कल को आपके फिजिकल में जो रिजल्ट आएगा, फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुई, तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी फिजिकल में नाम आ गया, यानी कि आपने जो कट ऑफ है वो क्लियर कर ली, और अब से लेकर जब तक आपने फिजिकल की तैयारी नहीं करी, तो फिर उस टाइम पर क्या एक साथ आप तैयारी कर लेंगे? फिजिकल की कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से फिजिकल की तैयारी करिए। और भैया अभी इस कट ऑफ का खेला चलता रहेगा, अभी आज और देखता हूँ मैं कि किस किस तरीके से कैसे कैसे कम हो रही है, ये डेली जब 4-5 दिन जब हो जाएंगे ना, डेली पता चलेगा कि आपकी जो कट ऑफ में जो कितना अंतर पड़ सकता है, कितने नंबर कम हो रहे हैं। और आज वाले भी सुन लीजिए, जिनका 24 को एग्जाम था उनकी आंसर की जो आज खुल रही है, तो आपके कितने नंबर कम हो रहे हैं, काट पीट के कितने हुए, वो एक बार मुझे कमेंट में प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर बता देना। और 23 तारीख वाले,
23 तारीख वाले भी एक बार जरूर कमेंट कर देना कि आपका स्कोर पहले कितना था और आंसर की आने के बाद कितना अंतर हो गया है, ठीक है। 23 वाले एक बार जरूर लिख देना। फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है, इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाकर के मुझे जरूर एक बार फॉलो कर लो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना रह रहा है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार, राम राम।